अध्यक्ष महोदय जी, एक विषय को जरा मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। विस्तार से बताने की बात अब शुरू कर रहा हूं। संविधान संशोधन करके हमने देश के गरीब युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक सुविधा तो की है, लेकिन सामाजिक तनाव को जितना डाइल्यूट कर सकते हैं उस रास्ते को हमने चुना है। एससी एसटी ओबीसी उस व्यवस्था को जरा भी हाथ लगाए बिना 10% गरीबों का आरक्षण, ये विषय कोई हमारे आने के बाद आया था नहीं, पहले से था। ये हमने हिम्मत दिखाई और मैं इस सदन का आभारी हूं, सबका आभारी हूं कि सबने सर्वसम्मति से इसमें साथ दिया। मैं इसके लिए आज मौका लेता हूं आभार व्यक्त करने का, हर एक का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी अन्याय न हो इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनुपात के अंदर सीटें बढ़ाने का भी निर्णय कर लिया है ताकि हमारी जो प्रगति की यात्रा है उसको कोई तकलीफ ना हो। 55 साल के शासन के बावजूद अब मैं जरा ये सत्ता भोग की हाल क्या है, सत्ता भोग 55 साल, जॉब के संबंध में कोई स्टैंडर्ड व्यवस्था विकसित ही नहीं हुई 55 साल तक। हमारे लिए वो एजेंडा ही नहीं था पुरानी सरकारों के लिए कि रोजगार को ध्यान में रखकर के व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, रोजगार का हिसाब कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके लिए सत्ता भोग में डूबे हुए लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है, हमने आकर के कोशिश की है। और अगर 100 सेक्टरों में नई नौकरियां बन रही हैं तो सिर्फ उसमें 7-8 सेक्टर को गिन करके एक मोटा मोटा अनुमान लगाए। आज जो पद्धति है कि 100 सेक्टर में रोजगार बन, 7 या 8 में टोकन सर्वे होता है और उसके हिसाब से अनुमान। अब आज वक्त बदल चुका है, सारे पैरामीटर बदल चुके हैं, रोजगार के प्रकार बदल चुके हैं और इसलिए हम जिस सच्चाई, और इसमें मैं आज इस सदन को सच्चाई बताना चाहता हूं और डंके की चोट पर बताना चाहता हूं, हकीकतों के आधार पर बताना चाहता हूं, और मैं देशवासी भी जो टीवी पर देखते हैं उनको विशेष रूप से कहता हूं कि मेरे आगे के भाषण के बजाय इसको गंभीरता से सुनिए ताकि ये जो जिस प्रकार से सत्य को कहीं जगह नहीं, ऐसे जो सत्ताभोगी लोग जो बातें कर रहे हैं उनको जरा सीधा सीधा जवाब देश की जनता दे सकती है। अब देखिए देश में असंगठित क्षेत्र करीब करीब 85-90% नौकरियां देता है, जबकि संगठित क्षेत्र सिर्फ 10-15% ही जॉब देता है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80-90% है जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10-15% ऑनली। जो सेक्टर सिर्फ नौकरियों के 10% प्रतिनिधित्व करता है, मैं उसके कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मैं जरा वो 10% वाला हिसाब देना चाहता हूं, 90% वाला हिसाब बाद में देखते हैं। सितंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक यानी करीब करीब 15 महीने में लगभग 1,80,00,000 लोगों ने पहली बार प्रोविडेंट फंड का पैसा कटाना शुरू किया। ये बिना रोजगार होता है क्या? हाँ, इनमें से 64% लोग हैं जिनकी उम्र 28 साल से कम है। इसलिए खड़गे जी आज सुबह आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, इसको कोई लॉजिक नहीं है। 28 साल से कम उम्र का व्यक्ति मतलब नया जॉब प्राप्त करने वाला लोग होता है। इसके अलावा एक और तथ्य मैं आपको देना चाहता हूं, हमारे देश में मार्च 2014 में करीब करीब 65,00,000 लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में रजिस्टर किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में ये संख्या बढ़कर के 1,20,00,000 हो गई। क्या ये भी बिना नौकरी के सब हुआ होगा क्या? कोई ऐसे ही कर देता होगा क्या? और इसलिए एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले भरते समय
नॉन कॉरपोरेट टैक्स पेयर्स जो अपनी आय घोषित करते हैं उन्हें खुद सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन ये लोग अपने यहां जिन लोगों को नियुक्त करते हैं उनको सैलरी देते हैं। पिछले चार वर्षों में देश में ऐसे लगभग 6,35,000 नए प्रोफेशनल जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलता है तो क्या किसी और को काम नहीं देता होगा? क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना दफ्तर खोलता है क्या किसी को रोजगार नहीं देता होगा? क्या क्या ये एक दो तीन लोगों का स्टाफ नहीं रखता होगा? क्या 6,35,000 प्रोफेशनल आप उन्होंने जिन लोगों को काम पे रखा होगा। और मैं फिर कहूंगा कि फॉर्मल सेक्टर का आंकड़ा है जो सिर्फ 10% प्रतिनिधित्व करता है, उसके आधार पर मैंने बताया है। अब मैं आपको जरा इनफॉर्मल सेक्टर का आंकड़ा देता हूं। इनफॉर्मल सेक्टर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, असंगठित कामदार जो होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर होता है। बीते चार वर्षों में थैंक यू दादा सदन में आप जैसे लोग रहने चाहिए ताकि चिंता रहती है। बीते चार वर्षों में करीब 36 लाख बड़े ट्रक या कॉमर्शियल व्हीकल बिके हैं, करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स बिके हैं और 27 लाख से ज्यादा नए ऑटो की बिक्री हुई है। ये सारी गाड़ियां जिन्होंने भी खरीदी है क्या उन्होंने पार्किंग करके रखी है? क्या शोभा के लिए रखी है? क्या क्या उनको कोई चलाने वाला नहीं होगा? क्या उनकी कोई सर्विसिंग नहीं होती होगी? क्या क्या उनके मेंटेनेंस के लिए कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता होगा? क्या एक अनुमान है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही देश में बीते 4.5 वर्षों में करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को नए अवसर मिले हैं। इसी तरह होटल इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो अप्रूव्ड होटलों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि हुई है। क्या ये होटल खाली पड़े हैं? किसी को जॉब नहीं दे रहे हैं क्या वो? क्या ये अनुमान ये भी हो सकता है कि टूरिज्म सेक्टर में करीब करीब 1.5 करोड़ नई नौकरियों का निर्माण हुआ है? देश में टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस का इतना विस्तार हो रहा है, लेकिन विपक्ष के मेरे साथियों को लगता है कि तमाम ऐप बेस्ड कंपनियां ये कर रही हैं। ये ऐप बेस्ड कर रही है क्या? ड्राइवरलेस कार चल रही है क्या? ना ऐप बेस्ड हो रहा है तो क्या ड्राइवरलेस कार है क्या? उसमें भी कोई 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 गाड़ी चलाता है, उसको भी कोई कोई रोजगार है। मुद्रा योजना के तहत पहली बार लोन पाने वाले लोगों की संख्या 4.25 करोड़ से ज्यादा है। फर्स्ट टाइमर, यानी इन 4.25 करोड़ लोगों ने अपना काम शुरू किया है, लेकिन ये लोग जॉब डेटा के अंदर नहीं होते हैं। इसी तरह हमारी सरकार के दौरान 2 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। क्या इसकी वजह से भी किसी को नौकरी नहीं मिली होगी? क्या एक जमाना था एसटीडी का बूथ लगता था और पार्लियामेंट में उसको रोजगार के आंकड़ों के रूप में बताया जाता था। आज कॉमन सर्विस सेंटर 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर और करीब करीब 18-20 घंटे काम करते हैं। एक एक कॉमन सर्विस सेंटर में 3-3, 5-5 नौजवान काम करने लगे हैं और कॉमन सर्विस सेवाएं दे रही है।
उसी प्रकार से देश में दोगुनी गति से हाईवे बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, करोड़ों करोड़ों नए घर बन रहे हैं। क्या ये भी किसी को रोजगार के अवसर नहीं देते हैं क्या? हमारे देश का नौजवान आज अपने दम पर खड़ा हुआ है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना, ये स्वरोजगार के ऐसे मजबूत हमारे इनिशिएटिव है।